झांसी में पुलिस को जब कुछ संदिग्ध युवकों की सूचना मिली तो बिना देर किए पुलिस ने चार युवकों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गश्त के दौरान पुलिस को जब मुखबिर ने बताया कि कुछ बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिस पर कोतवाली पुलिस ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी करते हुए चार आरोपियों को फिल्टर रोड अंजनी माता मंदिर के पास से हिरासत में ले लिया। आरोपियों के पास से कई अवैध तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए युवकों में बिलेश यादव पुत्र राम नरेश, पवन यादव पुत्र राम किशोर, निर्मल यादव पुत्र रघुवीर यादव व नारायण यादव पुत्र रमेश बताए गए हैं। युवकों के पास से एक DBBL बंदूक, तीन राइफल 315 बोर व एक देसी तमंचे के साथ करीब 34 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये लोग थाना क्षेत्र में गश्त में थे, इन्हें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग संदिग्ध वहाँ पे हैं, उनके पास अवैध रूप से शस्त्रादि हैं। इस सूचना पर इन लोगों ने दबी उनको पकड़ा। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग संदिग्ध हैं, उन संदिग्धों की जब चेकिंग की गई तो उनसे अवैध शस्त्र बरामद हुए। अभी इस सब की जानकारी की जा रही है। न्यूज़ BK के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।